हे गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा भी दबा दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको घंटे के हिसाब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस, हीरो काला के पिछले एपिसोड में आपने देखा, हीरो काला जो कि सकार का जुड़वा भाई है, उसकी किस्मत उसे माइक्रोवर्स के एक प्लेनेट काई के पास ले आती है, जहाँ एक बार हल को उसका प्यार मिला था। वहाँ पे ओल्ड पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हीरो काला उनका राजा बन जाता है। वो लोग हीरो काला को वापस घर भेजने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हीरो काला पूरे प्लेनेट को अपने साथ लेकर आ जाता है। अब हीरो काला बोल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी फ्यूचर देखने वाली पावर ने मुझे अफरा तफरी में छोड़ दिया है। वो फ्यूचर जिसे मैं मानता था कि पत्थर की लकीर है, वो एक रेत के घर की तरह टूट गया। मैंने अपनी नई पावर को एटमोस्फेयर में छोड़ दिया है, जहाँ पे मेरी नई पावर उस जादुई पावर के साथ जुड़ी जो प्लेनेट काई को बाहर लेकर आई, मुझे माइक्रोवर्स के रीबर्थ से बचाया। लेकिन वो इस प्लेनेट को उसके सूरज से दूर खींच लाई, स्पेस और टाइम के अंधकार के बीच। शायद मुझे वहीं पे रहना चाहिए था ताकि मैं इतिहास से मिट जाता, क्योंकि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। लीला, क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? लीला, तुम जानती थी है ना, तुमने यूनिवर्स की तबाही के अंदर हम दोनों की किस्मत को टकराते हुए देखा था, क्योंकि मुझे मेरी नई पावर गुस्से से नहीं मिलती थी बल्कि मेरे प्यार से मिलती थी। तुम्हारा फादर जो कि एक टाइम पे मेरा जर्नल था, कभी मेरा मास्टर था, और उसके बाद वो मेरा नौकर बन गया और अब सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन तुम लीला, तुम जानती थी कि मुझे क्या करना पड़ा। आखिर तुम इसी के लिए मुझसे प्यार करती थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके इस मल्टीवर्स को तबाही से बचा लिया है। अब जो भी कुछ मेरे साथ होने वाला है, मैं वो डिजर्व करता हूँ। मुझे अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा। एक्समैन बॉन हीरो काला की गर्दन पकड़ कर बोलता है, झूठे प्रोफेट, तुम अब भी जिंदा हो। तुम जानते हो कि मेरी खुद की एक भविष्यवाणी है, अभी मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। लेकिन हीरो काला अपनी गर्दन साइड में कर लेता है और वो एक्समैन बॉन के हाथ से बचकर नीचे गिर जाता है। अब एक्समैन बॉन बारबेरियन से बोलता है, मेरे लोगों, मैं अपने लीडर हीरो काला को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बेटी को मारा है। तो क्या तुम्हें वो कहावत याद है कि रात बदले के लिए होती है? अब यहाँ पे पुराने कानून माने जाएंगे, कोई भी आदमी हमारी इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो। हीरो काला एक्समैन बॉन के आगे आगे भागते हुए बोल रहे हैं, ये अनंत रात आर्ट्रूस रैन और एनिग्मा फोर्स नलीफायर ने माइक्रोवर्स के अंदर से ओल्ड पावर को निकालने के मेरे प्लान को तबाह कर दिया। अब मैं इस अंधकार की तरफ जा रहा हूँ। ये एक कड़वी लेकिन मजेदार हार है। मेरा पुराना जहाजों का बेड़ा बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे दोबारा जिंदा किए हुए लोग मेरी बची खुची पावर्स का यूज करके एक टेलीपोर्टेशन स्पेल से इस प्लैनेट को खींच रहे हैं। लेकिन मुझे ये जानने के लिए भविष्य देखने की ताकत की जरूरत नहीं है कि मेरी मौत मेरे पास आ रही है। तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं बहुत उतावला हो चुका हूँ, मुझे पावर चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पावर कैसी भी हो, नई या पुरानी या कैसी भी। अब तक हीरो काला एक खड्डे के पास पहुँच चुका है, उसके अंदर से कुछ धुआं सा निकल रहा है। अब एक्समैन बॉन बारबेरियंस को दूर रुकने के लिए बोलता है और हीरो काला के पास जाते हुए कह रहा है, जब मैं इसको मार दूंगा तब तुम लोग इसकी हड्डियाँ खा सकते हो। लेकिन हीरो काला एक्समैन बॉन की कुल्हाड़ी से बच जाता है और उस खड्डे के सेंटर में जाने लगता है। एक्समैन बॉन बोलता है, तुम्हें ओल्ड पावर के बारे में चेतावनी दी गई थी, तुम जानते थे कि ये एक तबाही है, लेकिन तुम इसके साथ खेलते रहे। तुमने इसे अपनी नई पावर के साथ चेंज कर लिया, तभी से ये एक श्राप बन चुकी है। हमारा प्लेनेट साकार तबाह हो चुका है और हमारे लोग इस बेकार प्लेनेट पे घूम रहे हैं। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। एक्समैन बॉन एक बार फिर से हीरो काला को मारने की कोशिश करता है। हीरो काला बच तो जाता है, लेकिन जिन लताओं को वो पकड़ रहा था वो टूट जाती हैं, जिससे हीरो काला सीधा कुएं में जाकर गिरता है। एक्समैन बॉन बोलता है, हीरो काला के लिए एक बहुत लंबी रात आ चुकी है, एक बहुत लंबी बदले की रात, लेकिन ये कुआं ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। हीरो काला, अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते और मेरे पास तुम्हें मारने के लिए काफी टाइम होने वाला है। और फिर एक्समैन बॉन अपनी कुल्हाड़ी का यूज करते हुए धीरे धीरे उस कुएं से नीचे आने लगता है। गिरते हुए हीरो काला सोच रहा है, मेरी नई पावर मुझसे दूर हो चुकी है,
नीचे जाने पे मैं सिर्फ अपनी मौत का दावा कर सकता हूँ और ऊपर से एक बदले का जनरल एक्समैन बॉर्न। उसकी आवाज इस कुएं में गूंज रही है, स्टील के पत्थर से टकराने की आवाज, जैसे तबाही का कोई पुराना इंजन चल रहा हो। एक टाइम पे वो मेरा ईमानदार जनरल था, मेरी सेना का कमांडर था, लेकिन अब वो मेरा दुश्मन बन चुका है। जो कुछ वो प्लानिंग कर रहा है वो सब एक्समैन बॉर्न बहुत बारीकी से करने वाला है। वो सबसे अच्छी पोजीशन में मेरे ऊपर अटैक करेगा, जिसमें मेरे जिंदा रहने के कोई चांस नहीं होंगे। हीरो काला नीचे पानी में आकर गिरता है, लेकिन एक्समैन बॉर्न की कुल्हाड़ी अटक जाती है। पानी के अंदर हीरो काला सोचता है, मुझे वो पावर चाहिए जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊं और ये टूटा हुआ प्लेनेट। लेकिन ये क्या, मैं पानी के अंदर सांस ले सकता हूं? आखिर ये जगह कौन सी है और ये पत्थर, ये प्लेनेट काई की तरह दिखाई दे रहा है। ये जिंदा है और ये पत्थर अपने बारे में जानता है। इसके अंदर अजीब सी एनर्जी बह रही है जिसे प्लेनेट काई के लोग भूल चुके हैं। ये अकेला है। तब वो पत्थर बोलता है, लोग मुझे भूल चुके हैं लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, है ना? तुम बहुत स्मार्ट और फियरलेस हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सोच के अंदर दर्द दिखाई दे रहा है। हीरो काला पूछता है, क्या तुम इस वर्ल्ड के जीते जागते प्रतीक हो? पत्थर बोलता है, हाँ मैं हूँ वर्ल्ड माइंड, काई का जीता जागता प्रतीक, माइक्रोवर्स के कई लाखों प्लैनेट्स में से एक। लेकिन अब मुझे माइक्रोवर्स से बाहर लाया जा चुका है, मैं मर रहा हूँ। तुम मेरी सोच के अंदर मेरी सच्चाई को देख सकते हो, लेकिन फिर भी तुम पीछे हट रहे हो। लगता है कि तुम डर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर आऊं। तुम इतना कुछ छिपाए रहते हो, अपने पास्ट को, अपनी ओल्ड पावर को। आखिर तुम अपनी ओल्ड पावर से इतनी नफरत क्यों करते हो? हीरो काला बोलता है, ओल्ड पावर एक तबाही है। वर्ल्ड माइंड बोलता है, नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, चलो इस सच्चाई का एक साथ सामना करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हीरो काला, और तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अब तक कुछ मरे हुए सोल्जर्स जमीन में से बाहर आ जाते हैं और वो अपने तीरों से हीरो काला को उस पत्थर के साथ जोड़ देते हैं। वर्ल्ड माइंड बोलता है, तुमने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी हील कर सकता हूँ सिवाय मेरे। मैं तुम्हारे इतिहास को देख सकता हूँ, लेकिन तुम अपना थोड़ा सा ही इतिहास बता रहे हो। इस सच्चाई का एक और पहलू है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से तुम्हारा आधा चेहरा धुंधला सा है। तुम कौन हो? क्या तुम अपने भाई के रखवाले हो या फिर अपने फादर के बेटे हो? अब हीरो काला पानी से बाहर आता है और उन मरे हुए सैनिकों को देखकर पूछता है, क्या ये तुम्हारे गार्डियंस हैं? वर्ल्ड माइंड बोलता है, तुम बात को इतनी जल्दी चेंज करना चाहते हो? ठीक है, तुम पहले ही जान चुके हो कि तुम्हें मेरी जानकारी कैसे मिलेगी। हालांकि तुम सही कह रहे हो, ये वार माइंड है। इनके अंदर मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं और इन्होंने हथियारों के कवच पहन रखे हैं। आगे बढ़ो अगर तुम्हें पावर चाहिए तो ये वार माइंड तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन हीरो काला बोलता है, मैं इनको ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं बस इनको वो दूंगा जो ये चाहते हैं। अब तक एक्समैन बॉर्न भी नीचे आ चुका है और ये वार माइंड एक्समैन बॉर्न के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उस कुएं से ऊपर जाने लगते हैं। वर्ल्ड माइंड बोलता है, ध्यान से हीरो काला, वार माइंड बहुत उतावले हैं, शायद बहुत ज्यादा उतावले। तुम्हें इनके ऊपर लगाम लगानी होगी, क्योंकि मेरी ये बात कभी मत भूलना हीरो काला। कुछ क्रिएचर्स तभी अच्छा काम करते हैं जब उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा जाए। ऊपर बारबेरियंस कह रहे हैं, एक्समैन बॉर्न को नीचे गए हुए काफी टाइम हो चुका है। अब एक बारबेरियन बोलता है, मैंने एक्समैन बॉर्न की कहानियां सुनी है। एक्समैन बॉर्न ने सिर्फ अपने हाथों से अपने दुश्मनों को मार दिया था। तभी एक बारबेरियंस बाकी बारबेरियंस को चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उनको अंदर से कोई चीज बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर अपने सामने वार माइंड को देखकर ये बारबेरियंस चौंक जाते हैं, जो कि इन बारबेरियंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हीरो काला अपने मन में कह रहा है, मैं हूँ हीरो काला, द सन ऑफ हल्क, और मुझे इस प्लेनेट को बचाना होगा। इसे काई के लोगों और साकार के लोगों के लिए बचाना होगा। और इस टाइम हम मेरे फादर द हल्क के यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे इस प्लेनेट को उन मूर्ख लोगों के लिए भी बचाना होगा जो मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन इन पुराने वार माइंड सोल्जर्स की कुछ जरूरतें हैं, वो एक लड़ाई के लिए भूखे हैं। हीरो काला प्लेनेट काई के वर्ल्ड माइंड से बोलता है, मैं इन सोल्जर्स से इनका खाना नहीं छीन सकता और ना ही तुमसे। अब तुम्हारे पास वो है जो तुम्हें चाहिए। ओ काई के वर्ल्ड माइंड, तुम्हारे पास मेरी ओल्ड पावर है, वो इकलौती चीज जो तुम्हारे प्लेनेट को ठीक कर सकती है, और इसके बदले में तुमने अपने प्लेनेट के वर्ल्ड माइंड की पावर मुझे दी है। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बचा ली है। अब जाओ और इस ओल्ड पावर का यूज करो जिससे मैं नफरत करता हूँ, और जिस पावर को मैंने इस यूनिवर्स से खत्म करने की कसम खा रखी है, उसी का यूज इस प्लेनेट को हील करने के लिए करो।
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्लेनेट काई के वर्ल्ड माइंड ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। इसने मुझे बताया कि बदले की भावना रखना और सूरज की तरफ लंबे टाइम तक देखना दोनों एक ही चीज है। लेकिन काई के पास अब कोई सूरज नहीं है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नई पावर जा चुकी है, मेरी भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है और मेरी लीला मर चुकी है। अब कुछ नहीं बचा सिवाय धोखेबाजों के खून के, जो कि इस प्लेनेट पे एक टूटे हुए सपने के आंसुओं की तरह बह रहा है। ये एंशियंट वार माइंड सोल्जर्स सपनों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ वर्ल्ड माइंड का ऑर्डर मानना जानते हैं, या फिर जिस किसी के पास भी वर्ल्ड माइंड की पावर है। प्लेनेट काई का पास्ट मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड माइंड की मेमोरी मुझे ये सब दिखा रही है, मेरे फादर के थ्रू मेरे इस प्लेनेट के साथ कनेक्शन को दिखा रही है, उसकी जीत और उसकी त्रासदी को दिखा रही है। तो फाइनली फादर, हम दोनों के अंदर कुछ तो कॉमन है। हम दोनों ने अपने प्यार को खो दिया है और अब मैं अपने दिमाग से उसकी याददाश्त को भुला दूंगा। अब हीरो काला कुएं से ऊपर आता है और बारबेरियन से बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा करो या मेरी सेवा करो या फिर तुम मेरे ऊपर यकीन भी करो। मैं इस प्लेनेट को ठीक करने वाला हूँ। मैं बस तुम लोगों से इतना चाहता हूँ कि तुम किसी चीज को कस के पकड़ लो। अब हीरो काला सोच रहा है, ये वार माइंड सोल्जर्स प्लेनेट काई के लिए मर भी जाते अगर ये पहले ही मरे हुए नहीं होते, उन सब की तरह जो पहले मेरी सेवा कर चुके हैं। मैं उनको टेस्ट करूंगा और इस प्लेनेट को भी टेस्ट करूंगा जिसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कसम खा रखी है। द पावर ऑफ वर्ल्ड माइंड, मुझे केवल इसका थोड़ा सा स्वाद मिला है लेकिन फिर भी ये काफी है इस प्लेनेट को एक नई जिंदगी देने के लिए। अगर मेरे पास वर्ल्ड माइंड की सारी पावर होती तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था। अब जब मेरे पास वर्ल्ड माइंड की पूरी पावर नहीं है तब भी मैं इस प्लेनेट के लोगों के अंदर अपने विचार डाल सकता हूँ और इस डैमेज को कोई नहीं रोक सकता। अब तक एक्समैन बॉन कुएं से बाहर आ जाता है और वो बोलता है, सन ऑफ हल्क, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें उस मौत का स्वाद चखाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब एक्समैन बॉन एक वार माइंड सोल्जर के ऊपर अटैक करने आता है लेकिन बहुत ही जल्द पासा पलट जाता है। हीरो काला बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर सिर्फ यही एक अच्छी बात है। और फिर प्लेनेट काई फिर से जुड़ने लगता है, उसके सारे अर्थक्वेक रुक जाते हैं, वहाँ फिर से हरियाली छा जाती है। एक्समैन बॉन अपनी कुल्हाड़ी से एक वार माइंड सोल्जर के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हीरो काला बोलता है, तुम्हारे बदले की रात गुजर चुकी है, मैंने तुम्हारी बेटी को इसलिए मारा ताकि मैं हम सबको आने वाली तबाही से बचा सकूं। गुलाम, मैं तुम्हें हील करूंगा, इस विद्रोह के लिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम और ओहदा छीनता हूं, तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से बांधा जाएगा, तुम्हारी कुलाड़ी अब ये चेन बन चुकी है, तुम जिंदा रहोगे और तुम मेरी साइड रहोगे ताकि तुम सिर्फ एक रिमाइंडर बनकर रह सको। प्लेनेट काई के लोगों, एक टाइम पे हल्क इस प्लेनेट का राजा हुआ करता था, वो इस प्लेनेट के लोगों के लिए एक फादर की तरह था, वो तुम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया, लेकिन मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ और मेरे पास कोई किरण नहीं है, लेकिन मैं इस अंधकार के अंदर तुम लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारा डार्क सन बनूंगा